ये हम लोगों ने खाया था ना, ये हम लोगों ने खाया था, ये बहुत ही अच्छा है। एंड दिस डिश नेम इज रॉक चॉकलेट। अब इधर है स्मोक्ड फिश, चिकन सॉसेज सैलेड, बहुत तरह का यहाँ पे सैलेड है, इंडियन, इटालियन, एवरीथिंग। मेरे पीछे वाटर फ्रंट है, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और आपको यही इस लग्जरियस होटल में आके आपको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल रांची में और मैं हूँ आज रेडिशन ब्लू में। बोल सकते हो झारखंड का पहला 5-स्टार होटल है ये, जो पूरे झारखंड, पूरे रांची, पूरे इंडिया में फेमस है रेडिशन ब्लू। तो आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ का कुजीन ट्राई करने के लिए। तो हम लोग अभी ग्राउंड फ्लोर पे, हम लोग सीधा चलते हैं रेस्टो में और आपको दिखाते हैं यहाँ का कुजीन क्या है। और आज मेरे साथ है अंशु, जो इस वीडियो में कोलैब कर रही है। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ का लॉबी में, यहाँ का रेस्टो में, और मेरे साथ है अंशु। तो अंशु प्लीज़ आप आओ। तो अंशु कैसा लग रहा है रेडिशन ब्लू में आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है आके। स्पेशली हम लोग यहाँ वाला ये सेंटर इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारा ये बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए हम यहाँ पे आके खड़े। तो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आके। आज का जो यहाँ का कुजीन है वो अंशु एक्सप्लोर करने वाली है और आपको बताने वाली है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुजीन। जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली पे लोग देखते हैं हमारे वीडियोस को, चाहे किसी जगह से देख रहे हैं, रांची, झारखंड या इंडिया के किसी कोने से, कि रेडिशन ब्लू जो है वो पूरे इंडिया में फेमस है। आज का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो अंशु कवर करेगी क्योंकि अंशु एक बहुत बड़ी फूडी है। तो आज हम लोग अंशु को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अंशु आज जितना भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो आप करो, एंड आप जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली के लोग हैं उनको बताओ कि यहाँ का कुजीन कैसा है, यहाँ का इंटीरियर कैसा है। तो सीधा चलते हैं हम लोग, सबसे पहले आपको यहाँ का इंटीरियर दिखा। देख सकते हो यहाँ का ब्यूटीफुल एम्बियंस इंटीरियर, मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एंड क्योंकि रेडिशन ब्लू का जो इंटीरियर है, यहाँ का एम्बियंस है, यहाँ का फूड है, आप सभी को पता है बहुत ही फैबुलस है। तो अंशु आप बताओ कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ का इंटीरियर, एंड हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली के लोग हैं उनको आप बताओ ताकि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ का इंटीरियर का, यहाँ का फूड का मजा लें। तो फाइनली हम लोग सेकेंड फ्लोर में आ गए, जो बेसिकली जाना जाता है लॉबी एंड रेस्टोरेंट से। तो मैं आपको यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन दिखाऊंगी कि ये बेसिकली है कैसा। एक्चुअली रेडिशन ब्लू तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रॉपर्टी है हमारे हर्ट ऑफ द रांची। सो ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट हम आपको यहाँ के इंटीरियर के बारे में बताएँ कि यहाँ का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है यहाँ का, बिल्कुल पैराडाइज वाला, वी आर स्पीचलेस। सो मैं आपको एक और यूनिक चीज़ दिखाना चाहूँगी। मेरे पीछे वाटर फ्रंट है, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और आपको यही इस लग्जरियस होटल में आके आपको आप देख सकते हैं वाटर फ्रंट कितना खूबसूरत दिख रहा है। एंड दैट वन मोस्ट पार्ट, दैट शेड, वो सनलाइट के टाइम में और भी ज़्यादा वाइब्रेटिंग लगता है, बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का लॉबी सेक्शन, यहाँ का डाइनिंग सेक्शन, यहाँ का हर एक सेक्शन बहुत ही अच्छा है। स्पेशली दैट कैंडलियर सिस्टम विथ लाइट्स, दैट वुडन सेक्शन, दैट ऑल आर फैब, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का हर एक डिज़ाइन बहुत यूनिक है, हर एक चीज़ बहुत यूनिक है, और यहाँ का क्लीनिनेस, स्टाफ बिहेवियर, ब्यूटी, दे ऑल आर फैब एंड ऑल एमिनिटीज़ आर परफेक्ट। सो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आके, यहाँ का स्टाफ बिहेवियर विद वॉर्म जेस्चर्स, यहाँ का हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छा है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ का क्यूजीन, यहाँ का इंटीरियर, यहाँ का रूम, हर चीज़ का एंजॉय लीजिए। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट, प्लीज़ यू आर वार्म वेलकम टू विजिट ओवर हियर। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग चलते हैं यहाँ का कुजीन सेक्शन में और आपको दिखाते हैं यहाँ का फूड क्या अंशु। और कुछ कुछ फूड अभी हम लोगों ने ट्राई भी किया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी फादर्स डे का ब्रांडिंग किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो आप देख सकते हो हैप्पी फादर्स डे का कंसेप्ट। सो मेरी ओर से और मेरे पार्टनर की तरफ से हैप्पी फादर्स डे टू ऑल माय डियरेस्ट डैड। जैसे मैं यहाँ पे एंटर किया हूँ यहाँ के कुजीन सेक्शन में, आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे है ग्रैंड प्यार, जो पूरे झारखंड में सिर्फ रेडिशन में है। आप संडे को आते हो यहाँ पे तो आपको संडे को इसका आप इंजॉय कर सकते हो, एंड एवरी डे यहाँ पे नाइट में ये प्ले करते हैं तो आपको इस चीज़ का मजा आप ले सकते हो। तो आप देख सकते हो आज का जो क्राउड है काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आज संडे है, संडे ब्रंच है, तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। एंड सबसे पहले अभी हम लोग फटाफट आपको दिखाते हैं यहाँ का कुजीन। एंड अंशु तो लेट्स एक्सप्लोर कि क्या क्या है यहाँ पे फूड है, एंड हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली के लोग हैं तो आप बताओ कि किस तरह का फूड है यहाँ पर। तो फाइनली हम लोग उस तरफ आ गए हैं जिसमें सबको बहुत चाहिए कि अब ये फूड काउंटर आए, अब आए। तो हम लोग फाइनली ये लाइव काउंटर पे आए हैं जहाँ पे ये लाइव कुकिंग होती है, लाइव पास्ता एंड पिज़्ज़ा काउंटर। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे पास्ता एंड पिज़्ज़ा काउंटर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ किया हुआ है, चेरी, ब्रोकलीज, मशरूम्स, ब्रोकली, चॉप्ड वेजिटेबल्स, कैरट एंड ऑल
फ्रेश वेजिटेबल्स। ये इस वाले सेक्शन में आते हैं, पिज़्ज़ा वाला सेक्शन, पिज़्ज़ा सेक्शन है ये। बहुत ही यू नो सबको बहुत पसंद होता है ये सेक्शन पे कि आके वो खाएं। इनफैक्ट मुझे भी बहुत पसंद है खाना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना फ्रेशली चॉप्ड वेजिटेबल्स है, फ्रेशली कटेड वेजिटेबल्स, बेबी कॉर्न, मशरूम, ब्रोकली, अनियन, आप देख सकते हो कितना फ्रेशली यूज्ड किया हुआ है, विद मेंटेन ऑल हाइजीन मेंटेन किया हुआ है। सो ये बर्गर, ये हमारा बर्गर सेक्शन है। तो आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे बर्गर्स हैं, कितना फ्रेश लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। इसके बाद जो आप देखने वाले हो ना वो नेक्स्ट लेवल का है, क्योंकि यहाँ का मैं आपको दिखाने वाला हूँ डेजर्ट सेक्शन, जो पूरे यूरोपियन कंट्री से लिया गया है। डिफरेंट कंट्रीज़ का आपको यहाँ पर डेजर्ट मिलेगा, और बहुत सारा डेजर्ट आप देख रहे होंगे वीडियो में, आपको दिख रहा होगा कितने सारे यहाँ पे डेजर्ट का वैरायटीज़ अवेलेबल है। तो अंशु आप बताओ यहाँ के डेजर्ट्स के बारे में। एग्जैक्टली, सो आप सबसे पहले डेजर्ट सेक्शन में हम आते हैं, और आपको जैसे सावन ने भी बताया कि वैरायटीज़ ऑफ डेजर्ट यहाँ पे। तो ये सबसे पहले जो हम डेजर्ट की बात करें वो है हेज़ल नट आलमंड ब्राउनी। ये जनरली आलमंड स्टफ्ड किया हुआ है विथ हेज़ल नट, सो ये बहुत ही टेम्पटेटिंग लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। सो ये तो आप सबके नोन डिशेज़ में ही होगा, दैट इज़ रस मलाई। इसके बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोग सबको पता होगा वॉट इज़ इट। सो ये रस मलाई है, एक्चुअली ये सबको बहुत पसंद आता है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए। और आप एक बार इसकी गार्निशिंग देख सकते हैं, कितना फ्रेशली आलमंड है, सेफ्रन है, सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम आते हैं हमारे इंडियन में ट्रेडिशनली जो सबसे ज़्यादा यूज़, या एक्चुअली खीर। सो मैं आपको दिखाती हूँ खीर। सो वाओ, इसका अरोमा कितना खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और आप देख सकते हो इसकी गार्निशिंग कितना 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 खूबसूरत लग रहा है, और इसमें जो येलोइश है, वाओ। अभी तक कोई भी नहीं खाया है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है देखने, बहुत ही देख के बहुत, इसका अरोमा, एग्जैक्टली अरोमा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अभी हम एप्पल थाइम क्रम्बल, दैट इज़ एगलेस। सो इसे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एगलेस है। सो ये इटालियन फूड है बेसिकली, एप्पल थाइम क्रम्बल। ये एगलेस फूड है, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है दे कैन कम एंड ट्राई दिस फूड। इसके बारे में बताओ, ये यहाँ का बहुत फेमस है। सो ये सबसे फेमस डिश है यहाँ पे, दैट इज़ सैफ्रन बेक योगर्ट, दैट इज़ ऑल्सो एगलेस डिश। सो ये इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, ये 0% शुगर है। सो इसे आप कोई भी एज के लोग आके खा सकते हैं, चाहे वो 70+ हो, डायबिटिक पेशेंट्स हो, ये आके इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें 0% शुगर होता है। एंड दिस डिश नेम इज़ सैफ्रन बेक योगर्ट, एंड दिट इज़ एगलेस ऑल्सो। टुडे इज़ फादर्स डे स्पेशल, सो वी हैव वन फूड ऑल्सो, दैट इज़ क्रीम कैरमल। सो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, क्रीम कैरमल, and that is written over here, I love my dad, because today is Father's Day special. So मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। And happy Father's Day to all fathers, क्योंकि जितने भी fathers इस वीडियो को देख रहे हैं, ये एक बहुत प्यारा सा मैसेज हमारे तरफ से, हमारे लिए। एंड आप अपने पापा को, अपने डैड को, अपने फादर को आप ट्रीट दो यहाँ पे लाके, उनको बहुत मजा आए। गिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे, चॉकलेट्स, यहाँ का डिश आप प्रेजेंट कर सकते हो, सरप्राइज कर सकते हो उन्हें, कि उन्हें बहुत खुशी महसूस हो। सो दिस इज, ये हम लोगों ने खाया था ना, ये हम लोगों ने खाया था, ये बहुत ही अच्छा है। एंड दिस डिश नेम इज रॉक चॉकलेट, यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल डेकोरेटेड थिंग ऑल्सो, दैट इज द डैड टुडे, द डैड इज रिटन ओवर द ग्लास इटसेल्फ। ये आलमंड से कोटेड है विद कैश्यू नट्स एंड रेजन्स, ये बहुत ही फ्रेश है, और बहुत ही यू नो ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल इसमें यूज्ड है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड द कलर कॉम्बो इज़ ऑसम, फैब। सो गाइज, आप देख सकते हो कि ये जो ब्रांचेस हैं, ये जनरली बिल्कुल शुगर से यूज्ड किया, ये जो भी है बिल्कुल हैंडमेड, और क्या क्रिएटिविटी है, माइंड ब्लोइंग, हैट्स ऑफ द शेफ़। एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये जो भी है ये बिल्कुल शुगर से यूज़ किया हुआ, जो भी ब्रांचेज हैं एंड ऑल, ये बिल्कुल शुगर यूज़ किया हुआ, तो दे हैव अ फैब क्रिएटिविटी। क्यों सावन, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये शुगर है, और अभी हम लोगों ने ट्राई भी किया था, खा कर देखा था, बहुत अच्छा लगा। हैट्स ऑफ देम। तो फ्रेंड्स, आपने जितने भी डेजर्ट्स बेकरी सेक्शन देखा ना, वो सारे क्रेडिट इनको जाता है। ये है संतोष जी यहाँ पे, जो पूरा बेकरी सेक्शन देखते हैं। तो संतोष जी, हमने अभी पूरा देखा यहाँ पे, डेजर्ट देखा, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का डेजर्ट अवेलेबल है। तो कुछ बताइए हमारे व्यूअर को आप। नमस्कार, माय नेम इज शेफ संतोष, आई एम फ्रॉम बिहार शरीफ, राजगीर नालंदा। सो आई कैन नॉट ज्वाइन द संडे ब्रंच, इट वाज स्पेशल ऑफ द फादर डे, तो कैन सी द डेजर्ट्स, इज अ लैक देयर लॉट्स ऑफ द डेजर्ट्स इन द डेजर्ट्स।
ये तो चॉइस बेसिकली क्या है कि गेस्ट के पास ऑप्शनली नहीं होना चाहिए, जो कि मजबूर हो वो चीज़ उठाने के लिए। आई एस टैक्सन आई एफ एस हर एक चीज़ को सोच के सोच समझते हुए ये डेजर्ट को बनाया गया है। बेशर्ते आपने बताया कि ये दिस इज़ ए फेमस ऑफ द सैफ्रन वियर योगर्ट, दिस इज कॉल्ड, ये अवेलेबल रांची में आपको कहीं नहीं मिलेगा, दिस इज कॉल्ड, आप ट्राई करें। ये दिस इज़ बेसिकली ऑफ द कॉलेज, एक सिंपल चीज़ है, दही के साथ क्रीम्स और मिल्क मेड्स, दैट्स इट्स। नो इसे हम कर सकते हैं ग्लूटेन फ्री, नट फ्री, एवरी थिंग्स डाइजेस्टेबल है, सब कुछ है, इस जीरो पर। दिस इज ए क्रीम कैरेमल्स, दिस इज ए कैरेमल्स फोर्ड वेज द फ्लेम इज द फ्रांस, इट कम बैक टू द गेस्ट, उसको देख के एक्सट्रैक्शन होता है। जो लोग चाहते हैं को सिर्फ वो बेक मिल्क अंडे और शुगर के साथ, दे पेकिंग डबल बॉयलर्स, आप आ सकते हैं तो रोचर्स है, आप इधर देख सकते हैं। कैन बी द गेस्ट ऑफ लाइक द चॉकलेट्स, दिस इज चॉकलेट बेरी, दिस इज कॉल्ड चॉकलेट बेरी है आपके पास है, दिस इज के अंदर ऑफ द बेक ऑफ द चॉकलेट स्पंज एंड ब्लूबेरी एंड गनास। थैंक यू सो मच संतोष जी, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमारे जितने भी लवली फैमिली है यूट्यूब पे एंड इस जगह पे आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे और आपके यहाँ कोशिश करेंगे उनके साथ अच्छा मौका दें। एग्जैक्ट मेरे कब्सूर एक बार जरूर मौका दें। थैंक यू सो मच, और आपके डिजर्ट्स को जरूर इन्जॉय करेंगे। वी आर वेरी ऑनर टू मीट यू। सो ये आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, दैट इज चेरी महालाबिया, चेरी महालाबिया, दैट इज शुगर फ्री एंड एगलेस, ये भी शुगर फ्री है और एगलेस। सो वंस अगेन जो डायबिटिक पेशेंट है दे कैन यूज़ द नॉन वेजिटेरियन पर्सन दे आर ऑल्सो कम एंड यूज दिस डिश, इज अ फैब ऑसम। गाइस ब्रंच का मतलब ही होता है दबा के खाना, तो इसके लिए यहाँ पे डिटॉक्स सेक्शन भी है, आप देख सकते हो डिटॉक्स वाटर, यहाँ पे कुछ कुछ ड्रिंक्स हैं, अगर आप ज़्यादा खा लियो तो आप डिटॉक्स कर सकते हो अपने आप को कुछ कुछ ड्रिंक्स लेकर। एंड इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे चाट वाले सेक्शन में एंड पानी पूरी वाले सेक्शन में। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये है यहाँ का चाट सेक्शन, यहाँ का पानी पूरी सेक्शन, आपको जितने भी तरीके का फूड चाहिए होता है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आने वाले दिनों में ये लोग बहुत सारा कुजिन ला रहे हैं यहाँ पे, झारखंड कुजिन, ठेला वाला कुजिन भी लेके आ रहा है ताकि आपको हर एक तरह का वैरायटी मिले। तो सैलड सेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे है स्मोक्ड चिकन, एंड इधर देख सकते हो आप इधर है स्मोक्ड फिश, चिकन सॉसेज सैलड, बहुत तरह का यहाँ पे सैलड है, इंडियन, इटालियन, एवरीथिंग, सब कुछ है यहाँ पे, आपको जिस तरह का चाहिए आपको उस तरह का आप खा सकते हो। लास्ट में मैं, अंशु एंड हिमांशु हम लोग तीनों ट्राई करेंगे कि कैसा है फूड। इसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं आपको यहाँ का दिखाते हैं यहाँ का मेन कोर्स, क्योंकि मेन कोर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आपको मेन कोर्स दिखाते हैं। तो मेन कोर्स में जो सबसे पहला चीज़ हमें मिला है वो है मटन करी, क्योंकि मटन मुझे बहुत पसंद है और फाइनली मुझे मटन मिल भी। तो दूसरा चीज़ है हमारे पास वो है चिकन सेजवान सॉस, तो ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और जितने भी फूड है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बहुत ऑयली नहीं है क्या ना, क्योंकि फ्रेशली है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हर्ब क्रस्टेड फिश एंड लेमन बटर सॉस है, सो आप इसमें देख सकते हो कितना फ्रेश वेजिटेबल चॉप्ड है, विद कैरेट, विद कुकुम्बर, विद फ्रेश टमेटोज, एंड दैट एवरीथिंग इज ओके। सो दिस डिश नेम इज ओरिएंटल वेजिटेबल इन कैंटोनीज सॉस, सो आप देख सकते हो एक बार इसका ओवरव्यू कितना खूबसूरत लग रहा है मुझे, सूप वाले फॉर्म में लग रहा है। हां एग्जैक्टली सॉस, कैंटोनीज सॉस। सो ये बहुत ही नोन डिश है, दिस डिश नेम इज पनीर लाबादार, सो आप देख सकते हो, एंड मुझे पनीर बहुत ही पसंद है और आप देख सकते हो उसके क्यूब्स कितने अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इस जगह पे आ सकते हो इस तरह का ब्रंच के लिए, एवरी संडे यहाँ पे होता है, आपको मिल जाएगा नीचे रेडिशन ब्लू का लिंक, इंस्टाग्राम का आप फॉलो करो, आपको सारा अपडेट्स मिलेगा। आप हर एक संडे को आ सकते हो ब्रंच के लिए, एंड एवरी डे यहाँ पे आप बार हैं, और एवरी डे यहाँ पे बार भी है, यहाँ पे सैलून भी है, यहाँ पे स्पा सेक्शन भी कर सकते हो। एग्जैक्टली यहाँ पे बैंकवेट्स है, स्विमिंग पूल है, सारा कुछ है यहाँ पे, होटल्स के लिए आप आ सकते हो, स्पा के लिए आप आ सकते हो, सैलून के लिए आ सकते हो। तो हम लोग फटाफट चलते हैं फूड ट्राई करते हैं, एंड आपने देखा यहाँ का कुजीन, एंड आई होप कि आपको अंशु का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा हो। हमारी रांची एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, तो हमारे जो लाइफस्टाइल रांची का मोटिव यही है कि आपको हम अवेयर करें यहाँ पे चीज़ों के बारे में, हर एक चीज़ जगह दिखाएं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो सैलून हो, चाहे वो जिम हो, हर एक चीज़। सो वी आर फोकसिंग ओनली इन रांची।
यहाँ का जो ब्रंच का प्राइस है वो आपको सारा नीचे मिल जाएगा। यहाँ का ब्रेकफास्ट के लिए आप आ सकते हो, डिनर के लिए भी आ सकते हो, और यहाँ पे सैलून एंड एवरीथिंग का जो भी आपके यहाँ पे कोटेशन है प्राइस वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप आने से पहले आप एक बार इंस्टाग्राम पे देख लेना कि आज का क्या ऑफर है। ऑफिशियल एडिशन हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, अनऑफिशियल मैं बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन आज का जो क्राउड है ना वो नेक्स्ट लेवल का है। क्या अंशु, बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्चुअली। यहाँ पे जो लोग हैं, स्टाफ मेंबर्स बहुत अच्छे, स्पेशली यहाँ के मैनेजर बहुत अच्छे हैं, हर एक स्मॉल चीज़ पे उनका डिटेलिंग है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो चलते हैं हम लोग अपने डाइनिंग सेक्शन में बैठते हैं और हम लोग फूड इंजॉय करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ सैलेड, चिकन सैलेड, यहाँ पे देख सकते हो आप, फिश सैलेड है, चिकन सैलेड है एंड चिकन सॉसेज है। और अंशु अभी ट्राई कर रहे हैं डेजर्ट्स, हिमांशु अभी कुछ मेन कोर्स में ट्राई करेगा। तो फटाफट हम लोग खाते हैं, आपको ऑलरेडी फूड के बारे में पता है और हम लोग टेस्ट बताते हैं कैसा है। हम लोग कुछ कुछ फूड मंगाया है, जैसा पिज्ज़ा है इधर, तो देख लो चावल दाल है, हमारा इंडियन फेवरेट चावल दाल, पानी पूरी, बर्गर, डेजर्ट्स एंड सैलेड। तो क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा मोड़ा खाएंगे। और अंशु फटाफट से डेजर्ट ट्राई करो एंड बताओ कैसा लगा। फेवरेट डेजर्ट तो मैं खा रही हूँ हेज़ल नट, सो मुझे खा के मैं आपको बताती हूँ कि कैसा लगा मुझे, ठीक है। और चिकन का जो मैं चिकन खा रहा हूँ, आई एम चिकन लवर एंड नॉन वेज लवर, मेरे को नेक्स्ट लेवल का लगा। सैलेड है एकदम क्लीन है, अगर आपको क्लीन फूड खाना है, एकदम ज़्यादा ऑयली नहीं खाना, तो आप ये सब खा सकते हैं। और जैसे देखने में लग रहा है बिल्कुल खाने में वैसे ही टेस्ट है, विद स्टफ चॉप्ड आलमंड्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खा के, सो टेस्ट वाज ऑसम, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। जो चिकन सॉसेज है ना वो मेरा फेवरेट है, रांची में सिर्फ बिग बाज़ार में ही मिलता था, वो भी बंद हो गया, पता है चिकन सॉसेज। ये मेरा फेवरेट है, देख सकते हैं आप, मैं खा के बता देती हूँ कैसा लग रहा है। टेस्ट बहुत ऑसम है, बहुत ही अच्छे से पका हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चीज़ बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने के बाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आई लव इट। सो गाइस यहाँ पे हमारी फूड आ चुकी है और मैं ट्राई कर रहा हूँ आज बर्गर। यस, सो गाइस इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी है और मुझे खा के बहुत अच्छा लगा। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ पानी पूरी, ऐसी तो ये सबकी पसंद है, बट अब ट्राई करके बताता हूँ कैसा है यहाँ का टेस्ट। अब मीठी चटनी के साथ उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है, जो नॉर्मल होता है वही टेस्ट, लेकिन इसकी मीठी चटनी में कुछ अलग बात है, टेस्ट का अच्छा है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ डेजर्ट्स, पैक योगर्ट्स, यहाँ का सबसे फेमस है ये, काफ़ी सही लग रहा है यार, जैसा उन्होंने बताया ना फूड के बारे में। एंड लाइव से राशि को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट और आपके प्यार की ज़रूरत है, आप ही की वजह से आज हम लोग इस जगह पे बैठ पाए हैं और आपके लिए वीडियोस कर पाए हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइस, आप लोग ही सब कुछ है हमारे लिए। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, लाइव से राशि आपको मिल जाएगा पेज, रेडिशन ब्लू का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक डाल दूंगा, आप फॉलो कर लेना, आपको सारा अपडेट्स मिलेगा। यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है वो 700 समथिंग स्टार्ट होता है, आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए आ सकते हो, दोपहर में लंच के लिए आ सकते हो और रात में डिनर के लिए आ सकते हो, और संडे ब्रंच के लिए कभी 1800 होता है, कभी 1000 होता है, कभी 1200 होता है, डिपेंड करता है कि हाँ, तो आप देख लेना। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो हमारे पेज को फॉलो करना, हम लोग हमेशा अपडेट कर देंगे कि आज क्या ऑफर चल रहा है। तो हम लोग सीधा खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे, और आप बताना आपको कैसा लगा यहाँ का वीडियो। तो दोस्तों हम लोगों ने खाना ख़त्म करके सीधा हम लोग टॉप फ्लोर पे आ गए थे, तो ये स्विमिंग एरिया है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे होटल पे रुकते हो तो आप स्विमिंग एंजॉय कर सकते हो, और आप यहाँ पे शादी के लिए बुक कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे अभी शादी के लिए यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेडिशन का टूर अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें आप हमारे यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करना, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा लाइव चल रांची। फिर से मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन दिस चैनल, सो प्लीज़ आप सबकी बहुत बहुत बहुत। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। आपका नाम क्या है प्लीज बता दो। बोलो, मुंह में नहीं लो।
बोलो कृषभ इज वेरी क्यूट एक्चुअली।